एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। दिस इज एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और हमारी वामपंथी पार्टियां ही सबसे दृढ़तापूर्वक भूमिका अदा कर सकती है और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों को मजबूत करना आज सबसे बड़ी जरूरत है। मोदी सरकार हमारे देश में सांप्रदायिक एजेंडा को पूरी तरह लागू कर रही है। धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने के लिए और उनका जो मंशा है कि देश में एक हिंदू राष्ट्र कायम करें, इसके लिए वो नंगे रूप से हमारे देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा नफरत फैला रही है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और वहां की जो मुख्यमंत्री है वो खुल के कहता है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के 80% लोग और दूसरी ओर 20% लोग के बीच में लड़ाई है। इसका मतलब वहां ध्रुवीकरण पैदा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं और आज जगह जगह पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों में हम देखते हैं कि तमाम अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है उसको खत्म किया गया है और ये आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए उसी की ओर वो बढ़ रहे हैं। ये मोदी सरकार अपने आप को एक राष्ट्रवादी सरकार बताती है लेकिन असलियत में ये सरकार हमारे देश के सबसे बड़े जो पूंजीपति है, हमारे देश के अंबानी और अदानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं के हित में काम करते हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हमारे देश के मेहनत कर जनता की जीविका पर जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर कोई रोक लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं है और इस 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम और 3-4 गुना बढ़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल का दाम है वो 1 बैरल के लिए $100 तक पहुंच गया है। सिर्फ चुनाव के कारण अभी यहां वो दाम बढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन चुनाव होते ही मार्च के अंत तक आप देखेंगे कि अभी जो पेट्रोल का दाम 100 रुपये पर लीटर तक गया था वो 150 रुपये तक जाने वाला है।